नमस्कार, मैं थे साथ छू हरीश पारा सर और ते सुन रहा छो घुष्मेश्वर गाथा। मैं थाना बतायो कि घुष्मा सु ब्याह हो गयो सुधर्मा को और दूसरी शादी होगी, सुध्या भी राजी होगी कि भाई ठीक छे बहनी घर में आई छे, और उनके बाद दोनों बहना प्रेम से रेबाला की शिवाड़ गांव के अंदर शिवालय सरोवर जो छो उनका किनारे वह पूजा करे छी। घुष्मा बहुत भक्ति छी भगवान की, पर देखो सोतिया डा तो हो ही छे। तो एक बार जो छे जब बच्चों बड़ो हो गयो, घुष्मा को उनकी शादी भी होगी, तो सुध्या को जो सोतिया डा छे वो थोड़ा जागियो और वह सोचे कि अब अपनी पूछ को नहीं घर के अंदर और यही घुष्मा ही सब कुछ होगी। तो वो सोतिया डा मारू ने घुष्मा का बेटा ने रात में सोता हुआ ने मार दी और उन्होंने उनका जो अंग छे वो पटक दी तालाब के अंदर ले जा। अब सुबह जो बेटा की बूची हुआ उठी और उन्हें बड़ो एकदम चित्कार करी हुआ कि यो खून मारा पति देव खड़ग यार काय हो गयो। तो घर में कोराम बच गयो, सारा लोग तलाश करवा लगे, लेकिन घुष्मा उड़ी पूजा कर रही थी। जो मैं बतायो था ना कि वह रोज जो शिवलिंग की पूजा अर्चना करे थी शिवालय सरोवर के पास, उन्हें कोई परवाह कोने, ठीक से सुन भी ली भाई बेटो गयो तो कोई बात कोने, जी को छो जो ही ले लियो या सोच मतलब वह अपना पूजा में करती रही। लेकिन आप देखो भगवान तो भगवान ही छे, भोलानाथ देखा कि या तो हमारी भक्तन छे, देखो इतना बड़ो के साथ अत्याचार हो गयो फिर भी या चुपचाप हमारी पूजा कर रही छे। तो आकाशवाणी करो कि हे घुष्मा थारी जो बहन छे सुध्या वह दुष्टाचर उन्हें थारा बेटा ने मारी छे और मैं उन्हें त्रिशूल से मारूंगो। अब घुष्मा तो फिर प्रार्थना करी कि महाराज वह तो नादान बुद्धि छे, कोई बात को ना गलती होगी उन्हें माफ कर दियो और आप जो छे कोई बात को ना वो कर दीजिए कर दिया। अभी आगे काई कथा हुई, भगवान कशान राजी हुआ ये मैं आपने और बताऊंगा। मन दे इजाजत, नमस्कार।